इसको ना ये ऐसे तोड़ने में बड़ा मजा आता है। ये ओए ओए ओए, ये देखें वाले गुलाब जामुन है, चॉकलेट बर्फी और बेसन बर्फी है आपके पास। यहाँ पे है जी, मैंने पता नहीं की पड़िया ही नहीं जा रहा। ताज़ा ताज़ा था, हस्ता करारा, नमकीन मज़ेदार। नमकीन किधर से आ गया? क्रिस्पी क्रिस्पी। नया दिन नई वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुलरहमान संगेड़ा। मुल्तान की सौगात है सोहन अलवा, और जब भी कोई नया बंदा मुल्तान आता है ना तो वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि यार मुझे सोहन अलवा कहां से ट्राई करना चाहिए। तो आज मैंने ये रोला ही मुका देना है, हम मुल्तान की तीन बेहतरीन जगह से सोहन अलवा ट्राई करेंगे और एंड में आपको रिकमेंडेशन देंगे कि प्राइस के लिहाज से, टेस्ट के लिहाज से और वैरायटी के लिहाज से किसका सबसे बेहतरीन है। तो नौमी बताएंगे कि अभी हम किधर जा रहे हैं। हम रिवाड़ी पे जाएंगे, फिर हम हाफिज़ पे जाएंगे और तीसरा एक सीक्रेट पॉइंट है। चलो जी शुरू करिए फिर। तो मैं आ चुका हूँ अपनी पहली लोकेशन पे जो कि है रिवाड़ी स्वीट्स, और ये मौजूद है हुसैनागई चौक में। और यहाँ पे इस टाइम इतना रश है ना, एक तरफ भाईजान उस तरफ समोसों का फुल सेटअप है, वहाँ पे भी तबाही का रश है और अंदर तो भाई खड़े होने की जगह ही नहीं है। मैं कहता हूँ ऐसा लग रहा है कि जैसे हलवा ना फ्री मिल रहा है। तो चलते हैं अंदर और सीन चेक कराते हैं आपको। तो यहाँ चेक करें, माशाल्लाह फुल रश लगा हुआ है। वो आगे से आप अपनी पर्ची तैयार करवाते हैं बिल्कुल एंड से, और यहाँ पर ये सारे कस्टमर्स हैं जो कि अपना ऑर्डर लेने के लिए खड़े हैं, और इधर से आपका ऑर्डर धड़ाधड़ तैयार हो रहा है। ये चेक करें, इनके पास मिठाइयों की भी फुल वैरायटी है। ये गाजर बर्फ़ी है, वो तोशा है, ये मोती पाक है, इधर ये फ्लेवर बर्फ़ी है, ठीक है, पीछे खोए वाले गुलाब जामुन है, चॉकलेट बर्फ़ी और बेसन बर्फ़ी है आपके पास। यहाँ पे है जी, मैंने पता नहीं की पड़िया ही नहीं जा रहा। ये गजिया, क्या बात है, और पीछे रसगुल्ला है। अस्सलाम वालेकुम, एक समोसा लगाना प्लेट में। तो ये दही वाली चटनी आ गई, ठीक है, ये चेक करिए। तो ये हमारा समोसा आ चुका है, गरम गरम समोसा, ठंडा रायता, और ये 25 रुपए का है, और डो तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है इनकी। चेक करते हैं, ये देखें जी, ये अंदर से हालात हैं इनके समोसे के। सही है, ट्राई करते हैं ऐसे करके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो, फुल गरम। ये देखें इनके समोसों की मुझे थोड़ी अच्छी बात यह लगी कि प्रॉपर डो होने के बावजूद भी अंदर वाले मटेरियल का आपको प्रॉपर टेस्ट आता है, और पता लगता है कि मटेरियल डोमिनेट कर रहा है ना कि डो, तो फिट है। तो ये है जी डोडा, जो कि मैं ऑलरेडी खुशाब से खा चुका हूँ, और जो ये है ना, ये है खजूर का हलवा। डोडा है 760 रुपये का किलो, और ये है 800 रुपये का किलो। तो पहले डोडा ट्राई करते हैं, ये चेक करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा है, लेकिन इससे पहले मैंने डोडा खाया था खुशाब से, तो उसकी जो रॉनेस थी या उसका जो टेक्स्चर था ना, वो इससे मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था। तो अब बारी है खजूर हलवे की, और आए है, ये चेक करें जी, पूरा 7 खजूर का चंक है, ये देखें, ठीक है जी, बड़े अच्छे तरीके से मैश हुआ हुआ है, और आप में आपको ना प्रॉपर खजूर के चंक्स आते हैं जिससे सही मज़ा आता है। एंड में ट्राई करते हैं इनका ये अखरोटी हलवा, जो मेन इनकी सौगात है, यहाँ की सौगात है, ये देखें जी, ओए होए होए, इसका टेक्स्चर बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। क्या बात है, बहुत बहुत लाइट सा मीठा है, ऐसा नहीं है कि अच्छे तरीके से, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि शुगर कोटेड है, लाइट सा मीठा है, और नरम नरम हलवे के दरमियान जब आप अखरोट का चंक आता है ना आपके दांतों के नीचे, तो मज़ा आ जाता है। लेकिन इसको कंपेयर मैं तभी कर पाऊँगा जब मैं अगले लोकेशन पर जाके उनका हलवा ट्राई करूँगा। सो मिलते हैं आपको वहाँ पर।
तो मैं आ चुका हूँ अपनी दूसरी लोकेशन पे जो कि है हाफिज़ सोहन अलवा और हुसैना गई चौक से। अगर आप सीधा अंदरून की तरफ आए ना तो सामने है हाफिज़ सोहन अलवा, और फड्डा ये हो गया कि उन्होंने कहा आप वीडियो नहीं बना सकते, तो हमने कहा चलो जी आप हमें हलवा दे दो 50-100 रुपये का। सो हमने हलवा ले लिया, अब वो ट्राई करते हैं। आपके रिश्तेदार वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे? पता नहीं आज ही कोई तकलीफ हुई है, पहले तो कभी नहीं हुई, आते जाते रहते, पहले तो ऐसा कभी कोई इशू नहीं हुआ। शायद आपकी शक्ल पसंद नहीं आई उन्हें, आई डोंट थिंक सो। गजब बेइज्जती है। तो ये है जी हमारा हलवा, और ये 1000 रुपये किलो है। सो ट्राई करते हैं, ये चेक करें, बादाम है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो क्या बात है। नमी भाई पीछे से कह रहे हैं हाफिज हाफिज ही है, वो अलग बात है कि इन्होंने हमें वीडियो नहीं बनाने दी, लेकिन पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मुझे ये टेक्सचर इनका जो है ना हलवे का वो ज़्यादा पसंद आया है। वो आपने सुना होगा कि अल्लाह हुसन दे तो नज़ाकत भी आ ही जाती है। सो ये देखे जी इनके हलवे की अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपने जस्ट मुंह में रखना है और उसके बाद यू कैन फील द टेक्सचर, यू कैन फील द स्वीटनेस। सो अभी हमें नोमी लेके जाएगा एक अपने सीक्रेट पॉइंट पे, लेकिन मसला ये है उसको भी नहीं पता वो सीक्रेट पॉइंट है किधर। अभी तक आपके क्या इजहार ख्याल है, ख्याल है इजहार? अभी फिलहाल तो कुछ नहीं, कंपैरिजन तीसरा जो पॉइंट देखेंगे तो पता चलेगा, लेकिन अभी तक सोने से तो यार वैसे इनका अच्छा था हाफिज़ वगैरह। तो मैं आ चुका हूँ अपनी आखिरी लोकेशन पे जो कि है हफीज़ का सोन हलवा, और इसकी लोकेशन बहुत सिंपल है। जैसे ही आप घंटाघर चौक से आएंगे कचहरी रोड पे आपके लेफ्ट पे आते हैं गदीराबाद, और जैसे ही आप टर्न लेंगे आपके राइट पे है हफीज़ का सोन हलवा। इसकी यूनिक बात यह है कि ये ताज़ा ही बनाते हैं और उसी टाइम इनका ख़त्म हो जाता है। और एक और मज़े की बात है कि अगर आप उसी दिन लेने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा, आपको कम से कम 2 से 3 दिन पहले या अक्सर जब फुल मौसम होता है तो आपको हफ्ता पहले अपना ऑर्डर देना पड़ता है। और मज़े की बात यह है कि इन्होंने भी हमें वीडियो नहीं बनाने दी। तो ये चेक करें, ये हलवा हम लेने में कामयाब हो गए हैं, और ये 800 रुपये किलो है और बिल्कुल फ्रेश बना हुआ है गर्मा गर्म। ट्राई करते हैं हफीज़ भाई का ताज़ा हलवा। ओए होए होए होए, इसका मुकाबला नहीं है, इतनी बेहतरीन चीज़ है ना ये, लाजवाब। इसको ना ये ऐसे तोड़ने में बड़ा मज़ा आता है ये। ओए होए होए, ये देखें हफीज़ के छक्के के बाद हफीज़ का ये हलवा कैसे लगा? सही था, अच्छा था, ताज़ा ताज़ा था, हंसता करारा, नमकीन, मज़ेदार। नमकीन किधर से आ गया? क्रिस्पी क्रिस्पी। सो अब बारी है फाइनल रिव्यू की। सबसे पहले मैंने ट्राई किया था रिवाड़ी का सोन हलवा, और उनकी जो मुझे अच्छी बात लगी कि उनके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा है, मिठाइयाँ भी मिल जाती हैं, मुख्तलिफ 7 से 8 किस्म का हलवा भी मिल जाता है। और उसमें जो मुझे सबसे अच्छा हलवा उनका लगा ना वो था उनका खजूर वाला हलवा, तो वो रिकमेंडेड है। दूसरे नंबर पर मैंने ट्राई किया था हाफिज़ का सोन हलवा, और हाफिज़ का सोन हलवे का टेस्ट का तो कोई मुकाबला नहीं है, और वो सबसे पुरानी दुकान है यहाँ मुल्तान में सोन हलवे की। लेकिन उसका एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ये सीन है कि वो थोड़ा महंगा है बाकियों की निस्बत। और एंड में मैंने ट्राई किया था हफीज़ का सोन हलवा, और उसकी तो क्या ही बात है। अगर आप गरम गरम ताज़ा सोन हलवा खाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हफीज़ का सोन हलवा बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन अगर आपने पैक करा के लेके जाना है और कहीं दूर लेके जाना है तो हाफिज़ भाई का सोन हलवा, उसका सच में कोई मुकाबला नहीं है। सो वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पता है काफ़ी लोगों ने हमें वीडियोस नहीं बनाने दी, लेकिन हमने सोचा था कि हलवों पे एक वीडियो लाजमी बननी चाहिए और वो बन गई। सो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।